अगला सवाल बताएं भाई। बच्चा बोले भाई कौन है बिग बॉस? बच्चा जब पहली बार बीमार हुआ तो क्या आपको याद है कि वो क्या बीमारी थी या क्या होता है ना, कभी पेट खराब हो जाता है बच्चों का, बुखार हो जाता है तेज, बस वो तो आपको पता है चलता ही रहता है बच्चों का, इसलिए कोई प्रॉपर याद नहीं है कि अच्छा पहली दफा कैसे क्या हुआ, वो तो चलते रहते हैं बच्चे, कभी फ्लू हो गया, बच्चे हो जाते नहीं होते एग्जैक्ट आपके अम्मी को इसलिए याद है पहली पहली बच्ची। मेरा भी पहला बच्चा जो था उसको शदीद वाला बुखार हुआ था और पहली दफा वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ था, शायद 10 महीने का था, और हमें पता नहीं था ना, हम दो से और कपड़े पहना रहे, मोजे पहना रहे, तो जो मेरा डॉक्टर देवर था उसने कहा इतने बुखार में इतना सब नहीं पहनाते, और फीवर चढ़ा। ये कि जब इसकी फर्स्ट बर्थडे थी उस वक्त ये बहुत बीमार था, बहुत ज्यादा, किसकी सर्दी वर्दी लग गई है, हाँ इसको बहुत ज्यादा, इसको ये टेम्परेचर था, फ्लू हुआ हुआ था बहुत ज्यादा, कंजेशन हुआ हुआ था इसको, तो वो उससे, अब मुझे जब भी बच्चे बीमार होते हैं तो मैं ये कहती थी तुम लोग ना बीमार हो मैं हो जाऊं, क्योंकि बच्चों को सारी करना इतना होता है, जी बहम आना शुरू हो जाता, खुद ही रोना आना शुरू हो जाता है, तो वो बस ये होता था हॉस्पिटल वगैरह में तो एडमिट नहीं हुए कभी, नहीं नहीं ये ऐसे कभी नहीं हुआ। अभी जो इनकी टांग में हुआ था वो तो बहुत, वो अभी बचपन में टॉन्सिल्स का ऑपरेशन, जब ये 6 ईयर का था इसका टॉन्सिलाइटिस ऑपरेशन हुआ था, ओके, और ये बड़ा साबिर बच्चा था, ये तो मैं कहती हूं आई ट्रेन माय मदर वेल, कुछ बच्चे ये बहुत साबिर, इसमें कोई वो नहीं, ये बहुत, मैं अक्सर ये, मेरा बड़ा वाला बेटा वो बुखार हो रहा है, बोल रहा है ये चुप करके लेटा रहता है, चुप करके, उसका जब इसका ऑपरेशन हुआ था तो हमारे साथ वाले बेड पे एक बच्चा था, वो 12 इयर्स का था, उसने इतना शोर मचाया था कि इसको तो छोड़ ये बेचारा, वो बल्कि वो कहे इसको कि देखो इस बच्चे को देखो, ये बच्चा कुछ कोई शोर नहीं कर रहा, मतलब मुझे वो टाइम इसका अब याद आता तो मुझे बल्कि तरस आता है कि इतने, मतलब कोई इसने शोर नहीं, कोई कुछ नहीं, शदीद ऑपरेशन था इसका, लेकिन माशाल्लाह तो था भी ग्लैंड्स को नाक के पीछे से भी निकले, क्रेजी, लेकिन ये माशाल्लाह शुरू से ही ना। आपको याद है हीरा? हीरा का कोई इतना खास तो नहीं, लेकिन जब भी होता है इसका गला खराब होता है, खुदा ना खास्ता जब छोटी थी तो हॉस्पिटल वगैरह तो नहीं, नहीं नहीं इतना नहीं है, मैं इनको बड़ा वो पैंपर रखा मैंने, अच्छा सुबह मालिश करनी अच्छे से और बच्चे को खिलाना पिलाना इसे सुला देना, फिर मैंने अपने काम करने और फिर बार बार देखना कि उठी तो नहीं, अभी उठी तो नहीं, और किसी को रूम में नहीं जाने देना कि सो रही है उठे ना, तो जब इन्होंने सोना होता था फिर मैं उठ के अपने काम करती थी, तो मैंने ऐसे बच्चों को, आपकी खुद की नींद कैसे पूरी होती थी? मेरी बस रात को नींद में पूरी ले लेती थी ना, या अम्मी की तरफ जाके नींद पूरी कर ये अम्मी, अम्मी को मैंने इनको पकड़ाना, छोटी सिस्टर उसको कि मैं अब जरा ना एक हफ्ते की मेरी नींद डिस्टर्ब है ये मैं पूरी कर लूं, लेकिन बच्चों को नहीं मैंने ना, और अच्छा इनको रोने की आदत नहीं थी, अच्छा आप रोने नहीं देती? बिल्कुल नहीं रोने देती थी, मुझे पता होता था इसने किस टाइम क्या, मैंने इनके टाइमिंग रखे के दूध पीने के खाने के, और रात को ये होता था कि मैं इनको अर्ली नहीं सोने देती थी, जब मैंने सोना है तो मैं उस वक्त सोने, अच्छा आइडिया है ना, तो उसका ये मुझे फायदा होता था कि मैं सुबह फजर के वक्त उठना होता था तो फिर बच्चे को फीड करा के फिर मैंने अगर 12 बजे उठना तो उन्होंने 12 बजे ही उठना, ये अपने हिसाब से ट्यून किया, मैंने इस हिसाब से बच्चों को थोड़ा सा किया था, तो मुझे इन्होंने तंग नहीं किया परेशान नहीं किया, बस जिद्दी थी शरारती भी थी, हैड टू कम एट दिस वेट कर रहा था, मैं कह रही थी तो बड़ा अच्छा स्मूथ सेलिंग चल रही है अभी कुछ, आई एम ग्लैड जी आंटी, मैं सुन रहा हूं, इतनी जिद्दी थी कि बस फिर अच्छा ओए ओए।